ओके स्टूडेंट्स, तो मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि जो हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स होती हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगल की तरह होता है, और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m बाय n के बराबर होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो स्पेशल कंडीशन वो है कि m नेवर इक्वल टू n। हमारे पास नंबर ऑफ रोज जिनको हम m बोल रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम जिनको हम n बोल रहे हैं ये कभी इक्वल नहीं होते फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें रो में एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड उसके कॉलम में मैट्रिक्स हैं एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6। तो इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें क्लियरली हमको पता चल रहा है कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है और ये आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारा एक बेसिक या और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है स्क्वेयर मैट्रिक्स। आप जितनी भी इसके बाद प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हुए देखोगे मैट्रिक्स के ऊपर वो ज़्यादातर स्क्वेयर मैट्रिक्स पे ही होती हैं। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है। अब स्क्वेयर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वेयर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो एम हम बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, एंड एन हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। इसकी हम एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं, तो ये 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें एम की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और एन की वैल्यू भी 2 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है वो स्क्वेयर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। अब स्क्वेयर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आ जाता है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब इसके नाम से हमको पता चल रहा है रो मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं मतलब कि जिसको हम m बोलते हैं वो ऑलवेज 1 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो n वो कुछ भी हो सकते हैं, उनकी गिनती कुछ भी हो सकती है, पर जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास 1 ही होगा। इसकी हम अगर एग्जांपल लें नंबर ऑफ रोज जिसमें 1 है जिसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं, तो 1, 2, 3 इसमें नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है और जो इसके कॉलम है वो हमारे पास C1, C2 एंड C3 हैं। मतलब ये हमारे पास एक 1 बाय 3 का मैट्रिक्स है। आप बोल सकते हो कि कोई भी रो मैट्रिक्स है जो उसको हम जनरली 1 बाय n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली जो कॉलम मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। अब कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है हमको कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 1 होंगे, मतलब इसमें हमारे पास n की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी और इसका जो ऑर्डर हम लिखेंगे ऑलवेज m बाय 1। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है 1, 2, 3। अब इसमें हमारे पास जो रोज है R1, R2 और R3 है, बट कॉलम हमारे पास सिंगल ही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं और इसका जो ऑर्डर हमारे पास है वो 3 बाय 1 है, यानी जनरली हम लिखेंगे m बाय 1। इस तरह के मैट्रिक्स को आप कॉलम। इसके बाद हम बात करेंगे डायगनल मैट्रिक्स की। जो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होता है वो एक स्केयर मैट्रिक्स ही हो सकता है। अब डायगनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी डायगनल वैल्यूज़ होती हैं, अब डायगनल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, A11, A22, A33 ये सभी वैल्यूज़ को हम डायगनल वैल्यूज़ बोलते हैं। अब अगर किसी मैट्रिक्स की डायगनल वैल्यूज़ या डायगनल एलिमेंट्स या फिर डायगनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हों, इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसके बाद हम समझेंगे जो इसकी नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स की ही तरह एक मैट्रिक्स होता है, बट डायगनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बस इतना डिफरेंस होता है कि जो इसकी डायगनल वैल्यूज़ हैं स्केलर मैट्रिक्स की वैल्यूज़ वो बिल्कुल सेम एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5।
अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल एंट्रीज एग्जैक्टली 5 वैल्यू है हमारे पास, इसका मतलब A11, A22, A33 ये सभी वैल्यूज हमारे पास 5 हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास A12, A13, A21, A23, A31 और A32 ये सभी वैल्यूज हमारे पास 0 एंट्रीज हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद ही हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कुछ डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है और एक ये स्केयर मैट्रिक्स होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल वैल्यूज एग्जैक्टली 1 होती हैं, सभी एंट्रीज जो इसकी 1 होती हैं, बाकी सभी वैल्यूज हैं जो वो 0 होती है। आप देख सकते हो कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं आई का। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम उसको 1001 की फॉर्म में लिख लेते हैं, और अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसको हम I3 लिख लेते हैं, इसको हम I2 भी बोल सकते हैं। I3 मैट्रिक्स को 1001001, ये हमारे पास I3 मैट्रिक्स है। सिमिलरली I4, I5 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें जो एंट्रीज हैं वो सभी जीरोज होंगी। जीरो मैट्रिक्स को हम 0 लिख देते हैं और जो इसके सभी एंट्रीज हैं उनको हम 0000 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आई जे की फॉर्म में सभी जीरोज वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको लिखने का तरीका भी है जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, वैसे हम जीरो मैट्रिक्स को भी जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम इसको 2,2 मतलब कि हमारे पास एम में जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2,2 लिख के हम 0000 इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 3,3 मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है इन द फॉर्म ऑफ 0 तो सारे एंट्रीज को हम 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स बन जाता है। अब 0 मैट्रिक्स के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है उसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे पास ये 2 टाइप्स के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर इफ ए आई जे की वैल्यूज सभी एंट्रीज हमारे पास 0 हो, बट उसमें शर्त ये होती है जो आई की वैल्यू है वो जे से बड़ी होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स, एक जनरल मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब जिस एलिमेंट की वैल्यू में जो रो की वैल्यू हमारे कॉलम की वैल्यू से ज़्यादा है वो सभी एंट्रीज हम जीरो कर देंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास A11 है, इसमें आई एंड जे की वैल्यू सेम है तो इसको हम जीरो नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ A11 ही लिख देंगे। अब 1, 2 को भी नहीं हम जीरो कर सकते क्योंकि इसमें जो आई की वैल्यू है वो जे की वैल्यू से छोटी है। 1, 3 को भी नहीं हम कर सकते क्योंकि इसमें भी जो आई की वैल्यू है वो जे की वैल्यू से छोटी है। 8, 2, 1 को हम जीरो कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो जे की वैल्यू से कम है। 8, 2, 2 को भी हम जीरो नहीं कर सकते। 8, 2, 3 भी जीरो नहीं हो सकता। अब 8, 3, 1 जीरो हो सकता है। 8, 3, 2 भी जीरो हो सकता है और 8, 3, 3 भी नहीं जीरो हो सकता। इस तरह के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी इसकी जीरोज वाली एंट्रीज हैं वो एक ट्रायंगल की शेप ले लेती हैं, तो इसलिए हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और जो नॉन जीरो वैल्यूज को भी अगर आप एक फॉर्म में लाइन उनमें ड्रॉ करें तो वो भी हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म में आता है, इसलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसकी जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो जस्ट इसके ऑपोजिट है। इसमें ए आई जे की वो वैल्यू को हम जीरो करेंगे जब आई इज लेस देन जे के बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम ये सेम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि ए वन वन
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इसमें हमने उन वैल्यूज़ को जीरो करना है जिसमें i की वैल्यू j से कम है। फर्स्ट को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। इसको हम जीरो कर सकते हैं क्योंकि इसमें i की वैल्यू 1 है जो, और वो j की वैल्यू 2 से छोटी है। और A13 को भी हम जीरो कर सकते हैं जबकि A21 जीरो नहीं हो सकता, A22 भी जीरो नहीं होगा, A23 भी जीरो हो सकता है क्योंकि इसमें i की वैल्यू j की वैल्यू से कम है। A31 को भी हम जीरो नहीं कर सकते, A32 को भी नहीं जीरो कर सकते और A33 को भी नहीं जीरो कर सकते। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं क्योंकि इसमें भी अगर आप देखो जो नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं इनकी, उनको अगर आप मीट करो तो एक ट्रायंगल की शेप बनती है। और सिमिलरली अगर आप इनके जीरोज एंट्रीज को बोलो तो वो भी हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप में बनता है। तो इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो आप ये मैट्रिसेस की टाइप्स करने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो और इजीली फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को और आगे मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड बाय।